सदन आज चर्चा कर रही है। अध्यक्ष महोदय, सदन की परंपरा, विधि, ये सारे चीजों की संरक्षक आप हो। इस चर्चा को शुरू करते हुए प्रारंभ में अत्यंत कुछ माननीय सम्माननीय सदस्यों ने आपकी दक्षता और आपकी विवेक के ऊपर भी चर्चा किए। मैं बड़ा विनम्रता के साथ दोनों पक्ष के मित्रों को यह निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार की चर्चा में जब देश नजर डाला हुआ है और देश इस घटना में चिंतित भी है, हम विश्व में एक नई शक्ति करके उभर रहे हैं। उस समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में कुछ घटना किसी भी प्रकार की होगा तो सभी के मन में एक चिंता होती है, और जो घटना पिछले 27 जुलाई को हुई है, इसको कितना भी हम खेद प्रकट करें, कितना भी हम दुख प्रकट करें, उस परिवारों की कोई भरपाई होने वाला नहीं है। और मैं मानता हूं सदन शायद इसी विषय में सहमत है, हम उन परिवार के प्रति अपना श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हैं। और निश्चित रूप में हम सभी की दायित्व बनता है यह घटना आगे कैसे ना हो, उसकी दायित्व किसकी है। ये राजनीति लापरवाही बनाम जिम्मेवारी की नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा, दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगी, तब जाके उसमें से कुछ समाधान होगा। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जब आदरणीय सुधांशु जी ने इस चर्चा का शुरुआत किया और अभी तक जो चर्चा हुई है, कई प्रकार की तर्क कुछ जगह पर, अगर ये संसदीय अपशब्द नहीं है तो मैं अध्यक्ष जी कुतर्क का शब्द भी लगाना चाहूंगा। कुतर्क संसदीय है या असंसदीय है? कुतर्क को बदलिए, मैं आपके आदेश के हिसाब से उसको, नहीं सुझाव है कुतर्क को बदलिए, तर्कहीन, तर्क और तर्कहीन। एक सेकंड, और अपने यहाँ शालीनता का इतना स्तर बढ़ाओ कि लोग प्रभावित हों और सीखे भी। धन्यवाद। आप तो संयमित रहते हो, पर ये कीजिए, इधर भी संयमित रहते हैं। ये सर हम सभी के लिए लागू है, ये पहले तो मेरे ऊपर लागू है कि मैं इस सदन को इस प्रकार की कोई भी शब्द के माध्यम से गुमराह ना करूं, कोई मर्यादा हानि ना करूं, इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अध्यक्ष जी मेरे बयान में मेरे ऊपर होती है। इसलिए मैं आपकी अनुमति भी चाह, दो तीन पहलू इस चर्चा में सामने आई है, मैं आपकी अनुमति में कुछ तथ्य, हम सरकार में है, कोचिंग सेंटर के बारे में कुछ दायित्व तो हम लोगों की भी बनती है, शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में एक बिजनेस है, कॉन्करेंट लिस्ट की विषय है, दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो तो दायित्व में यह व्यवस्था है। पिछले कई सालों से कोचिंग सेंटर की व्यवस्था और प्रबंधन कैसे होनी चाहिए, 2017-19, अभी अभी 2020, फिर अभी 2024 में निरंतर रूप में भारत सरकार, राज्य सरकार तथा संघ प्रशासित राज्यों को अपना एडवाइजरी मार्गदर्शिका भेजते आए हैं। कोटा के बारे में चर्चा हुई, केवल कोटा नहीं, देश में अनेक जगह पे इस प्रकार की जब दुर्घटना होते हैं, कुछ कैंपसेस में भी कुछ दुर्घटना होते हैं, तब एक कोचिंग सेंटर की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, इसकी एक निरंतर मॉनिटरिंग, निरंतर जानकारी सुझाव राज्यों को दिया गया है, जिसमें कोचिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसकी मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, सेफगार्ड बच्चों के बारे में क्या क्या लेनी चाहिए, और उसकी निरंतर मॉनिटरिंग कैसे हो, और उसमें कुछ कोई खिलाफ करता है तो उसकी पेनल्टी व्यवस्था क्या हो, और राज्यों ने क्या क्या किया है। अनेक राज्यों ने अध्यक्ष महोदय, बिहार, गोवा,
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.